हेलो दोस्तों, मैं हूं फैक्टविन सिंह। आज मैं आपके लिए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय 700 ईस्वी में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में पढ़ाया जाता था और इसमें लगभग 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। वाराणसी, जिसे बनारस भी कहा जाता है, सबसे पुराना और निरंतर बसे शहरों में से एक है। विदेशी पर्यटक यहाँ भारी मात्रा में आते हैं। भारतीय रेल देश का सबसे रोजगार प्रदान करने वाला जरिया है। यहाँ 15,40,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत में होने वाला कुंभ का मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। कुंभ के मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। दुनिया में पहली बार 1957 में लोकतांत्रिक तरीके से केरल में संपन्न चुनाव किया गया था। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी और ESM नंबूदरी पाद ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश टैंक पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उसके अंदर रहकर ही सारे काम करने की सुविधा भी दी थी। प्राचीन मिश्र में मधुमक्खी के हमले से बचने के लिए महल के राजा नौकरों के शरीर पर शहद लपेटकर उन्हें शहर से बाहर कर दिया करते थे, ताकि मधुमक्खियां राजमहल के अंदर ना आए और किले से बाहर ही रहें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर दो बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। इसके कारण आज भी वहां के बच्चे अपंग पैदा होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद 1,000 से भी अधिक लोग बचे हुए थे, वह बेवजह ही बम्बों से मारे गए। 1914 से 1919 के बीच पहला प्रथम विश्व युद्ध यूरोप के 3 महाद्वीपों के बीच जल, थल और आकाश में लड़ा गया था। सिंचाई के लिए सबसे पहला जलाशय और बांध सौराष्ट्र में बनाया गया था। इतिहास में सबसे पहले रोम में 10 लाख आबादी का आंकड़ा पार किया था। लगभग 5,000 साल पहले केवल चेचक का ही रोग था। प्राचीन रोम में इंसानों की लगभग 20 से 30 साल ही उम्र होती थी। इतिहास में पहली बार बनने वाली ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इजराइल के राष्ट्रपति के पद को ठुकरा दिया था। अगर दोस्तों आपको ये फैक्ट अच्छे लगे हों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।